हेलो एवरीवन, अभी से करीब 4-5 दिन पहले की बात है, मेरे एक क्लाइंट थे, उनका मेरे पास कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि उनसे एक बिल्डर ने लखनऊ में कुछ करीब 2 लाख रुपए 2 साल पहले लिए थे प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम पे, और उस प्लान का उद्देश्य ये था कि वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, 2 साल बाद उन्हें उस 2 लाख के बदले कुछ इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस कर दिए जाएंगे, जो कि पोस्ट डेटेड चेक से मिलेगा, और साथ ही गिफ्ट में एक 800 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलेगा। लखनऊ का बहुत फेमस और बहुत बड़ा फ्रॉड बिल्डर है, और कई सारे मुकदमे भी लखनऊ में उसके ऊपर हो चुके हैं। तो जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने चेक्स देखी, चेक्स बाउंस हो चुकी थी और वो कंपनी का अकाउंट जो है वो क्लोज था। तो मैंने उन्हें एडवाइस किया कि इसमें आप NIA एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंसिंग की प्रोसीडिंग कर सकते हैं लीगल नोटिस भेजकर। तो मैंने फिर नोटिसेस तैयार किए, और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ऐसी किसी स्थिति में जैसे किसी कंपनी द्वारा आपको चेक इशू की जाती है और वो चेक बाउंस हो जाती है, तो आप लोगों को करना ये है कि आप अपने लॉयर से कांटेक्ट करें और उस कंपनी के खिलाफ 138 सेक्शन 138 ऑफ NIA एक्ट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नोटिस आप भिजवा सकते हैं। नोटिस भिजवाते टाइम आप लोगों को ध्यान रखना है कि नोटिस कंपनी को और जो डायरेक्टर्स हैं, जो ऑथराइज्ड सिग्नेचरी हैं, उनको ज़रूर भेजना है नोटिस। और इसी के कंप्लायंस में मैंने कुछ नोटिसेस तैयार किए थे जो मैं आप लोगों को देखिए, क्योंकि मैं नाम तो नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 3 नोटिस हैं, इसमें से 2 डायरेक्टर्स के लिए हैं और एक नोटिस कंपनी को। तो मैंने नोटिस तैयार कर लिए हैं, मैं आया हूँ पोस्ट ऑफिस से, यहाँ से मैं भेज दूँगा। और ध्यान रखिएगा कि ये नोटिस आपको भेजने होते हैं विद इन 30 डेज, जिस दिन भी आपकी चेक बाउंस होगी उससे 30 दिन के अंदर आपको ये नोटिस भेजने होंगे। और अगर आप ये नोटिस नहीं भेज पाते हैं तो फिर ये नोटिस आप कंप्लेंट फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपकी कंप्लेंट एंटरटेन नहीं होगी कोर्ट में। तो बहुत ध्यान रखना होगा कि इस चीज़ का कि 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन के अंदर आप जो भी आपको एक्शन लेना है उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो ये नोटिस मैं भेज दूंगा और इसके बाद जो प्रोसीडिंग है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना। क्या चीज़ सर? पिन कोड लिखा हुआ है उसमें? अच्छा, वो विकास नगर का है, डंडिया लगता है एरिया, मेरे ख्याल से महानगर या अलीगंज आएगा। विकास नगर, विकास नगर लगता है, हाँ तो वही है। तो नोटिस मैंने सेंड कर दिया है। नोटिस सेंड करने के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि NIA एक्ट के मामले में जो स्टैचुरी पीरियड है 30 दिन का, चेक बाउंसिंग के बाद जिस दिन आपकी चेक बाउंस होती है उससे 30 डेज़ के अंदर आपको नोटिस भेजना ज़रूरी है। और नोटिस भेजते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जब आपका कंपनी का मामला हो, किसी कंपनी ने आपको चेक इशू करी हो, तो कंपनी को पार्टी ज़रूर बनाएं, यानी कि कंपनी को नोटिस ज़रूर भेजें और कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पर नोटिस भेजें, अलॉन्ग विद जो भी डायरेक्टर्स थे, जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी थे जिन्होंने चेक इशू करी है, उनको भी भेजना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ऐसा ना करने में क्या होता है? होता ये है कि जब आप कंप्लेंट फ़ाइल करने जाएंगे 1 महीने बाद, तो आप कंप्लेंट फ़ाइल तो हो जाएगी, लेकिन आपने अगर कंपनी को पार्टी नहीं बनाया है तो वो आगे चल के मुकदमा आपका डिसमिस होने के लायक हो जाता है, फिर वो एंटरटेन नहीं होगा, समनिंग नहीं होगी, यानी अपोजिट पार्टी को कॉल नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंपनी होती है वो कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है और डायरेक्टर उसके एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो क्रिमिनल लायबिलिटी होती ज़रूर डायरेक्टर्स की है, लेकिन जब तक आप कंपनी को नहीं पार्टी बनाएंगे तब तक उसके डायरेक्टर्स, उसके एम्प्लॉइज जिन्हें माना जाता है, उनको कोर्ट समन नहीं करेगी। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो 3 बातें जो मैंने बताई हैं आप लोगों को कि 30 दिन के अंदर नोटिस भेजना होगा, और कंपनी के डायरेक्टर को नोटिस भेजना होगा, और तीसरी कंपनी के जो कंपनी होगा जो रजिस्टर्ड, उस कंपनी के नाम से नोटिस ज़रूर जाना चाहिए। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसान होगा। और इसको लेकर ये एडवाइस मेरी लॉयर्स जो है, प्रैक्टिसिंग जूनियर लॉयर्स हैं, उनको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि आम आदमी को तो ये बातें नहीं पता होती हैं, अगर पता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। 30 दिन, डायरेक्टर्स और कंपनी, 3 चीज़ें ये नोटिस भेजते टाइम। इसके बाद जो कंपनी मुकदमा कंप्लेंट फाइल करने का प्रोसीजर, तो मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में किसी और दिन बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच, टेक केयर।